आनेगी ना पुराने जमाना की जो पहनावा भी निकाल दे ये लकड़ी से बना है लकड़ी ये लाजवाब मतलब लाजवाब बनाया है आप सभी ने मतलब नहीं सही में आप कलाकार के बेहतरीन मतलब एक ये लकड़ी का बना हुआ है लकड़ी हाँ लकड़ी है ना लकड़ी से आपने इंसान बना दिया है पुराने जमानों की महिला है पुराने जमाने की ना पुराने जमाना की जो पहनावा भी आपने अच्छा दिया है पूरा गले में माला कान में बालिया और सिर वाह यार और ये पुराने जमाने का किसान या पुराने जमाने का आदमी मान लो उस जमाने का पैर उंगलियां धोती जैकेट और हाथ आंखें नाक मुंह कान पगड़ी ये बैगा बैगिन ये क्या है बैगिन बैगिन अच्छा मतलब क्या काम किया होगा इन्होंने वो जंगल में रहने वालों को अच्छा आदिवासी का कोई मतलब आदिवासी अच्छा बेहतरीन मुझे बड़ा अच्छा लगा आप सब बहुत मेहनत से बना रहे हो सीधा वो नज़र आता है ना मेहनत अपने आप ही नज़र आती है कि मतलब हाँ और ये सब डिज़ाइनें तैयार हो रही है सब कुछ ना कुछ तैयार हो रहा होगा ये सब जितने भी लोग हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं यार सबकी मेहनत का फल है वो वैसे तो वो पर सबने अपना अच्छा दिया तब जाके वो तैयार हुआ है एक इकलौते इंसान मेहनत करता है तो बहुत समय जाता है सब एक साथ मिलके मेहनत कर रहे हैं और जितना बेहतर अपना दे पा रहे हो उतना बेहतर अपना दे रहे हैं चाचा अच्छा लगा आपसे मिल के अच्छा लगा आपसे मिल के एंड आप सभी से मिल के भी अच्छा लगा थोड़ा सा और घूम लेते हैं बाद में हम भी निकलते हैं इस म्यूजियम में हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे क्योंकि म्यूजियम पूरा रिपेयर हो रहा है और सामने म्यूजियम ही है वो पूरा रिपेयर हो रहा है तो हम कुछ देख तो नहीं पाएंगे ये बहुत पुराना है जो भी है ये पता नहीं क्या है ये मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मम्मी है उस ज़माने में ना जो बड़े बड़े वो मिस्र के पिरामिड होते थे ना उन पिरामिडों में दरवाजे पे नहीं होती थी ऐसे लोहे का कुछ बना रहे हैं क्या कुछ तैयार हुआ है या बनने वाला है क्या चीज़ है अच्छा सांप तैयार हुआ है अरे वाह ये लोहे का सांप है नहीं और वो छोटे छोटे अच्छा वो छोटे छोटे सांप है वाह बनाने वाला वो भी है बॉस हेलो खाना खा रहे हो क्या चेहरा दिखा दो इसका बनाया अच्छा लगा आपने जो बनाया वो अभी तो काम चालू है काम चालू है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ना कितना टाइम लगेगा पूरा कंप्लीट होने म्यूजियम टाइम लगेगा लेकिन अभी उद्घाटन है क्या फरवरी में फरवरी आने वाला ये आने वाला उद्घाटन वाला तैयार करना ही पड़ेगा तब तक नहीं पड़ेगा अरे वाह डेढ़ महीने में तैयार होने वाला है अच्छी बात है यार म्यूजियम फिलहाल अंदर से देख नहीं पाएंगे अंदर से पूरा रिपेयर हो रहा है जितना बाहर से देख पाए उतना देख लिया और बहुत सारे अच्छे कलाकारों से बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलना भी हो गया उस साइड जाने का कोई मतलब नहीं हो कि पूरा रिपेयर हो रहा है और जाना उधर वो भी नहीं है क्या बोलते हैं अलाव भी नहीं उस साइड जाना ये जो भैया हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं ये इन्होंने अंदर एंट्री आने दी थी हमें और थैंक यू अच्छा ये वो जो अंदर कलाकार जितने भी हैं मतलब जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं वो सब बोल रहे हैं कि फरवरी तक उद्घाटन है तैयार हो जाएगा ये अच्छा वो अच्छा
अभी ये जितने भी लोग हैं मतलब इनसे बातचीत की हमने, तो ये बोल रहे हैं कि फरवरी तक तैयार हो जाएगा। कोशिश कर रहा है। कोशिश है। अच्छा, उद्घाटन है फरवरी में, तो मतलब डेट फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी तो बहुत चीजें मतलब रिपेयरिंग भी आधी अधूरी है। अंदर का कार चल रहा है। हाँ, चाहे देख सकते हैं, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है अंदर। हाँ, कोई परेशानी थोड़ी है। अच्छा, चलो चलो चल के देख के आते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ये आने वाले समय में म्यूजियम है ना, ये पहले ही म्यूजियम ही था ना, ये तो ये पहले म्यूजियम था, लेकिन ये क्या है, नया सिरे से रिनोवेशन काम कर रहे हैं पूरा, मतलब कुछ एक नया बना रहे हैं पूरी तरह से। ट्राइबल पे 5 गांव बसाए जा रहा है, जो कि सामने है जी, झोपड़ी भी है। अच्छा, 5 तरह की सभ्यता बता रहे हैं यहाँ पे। अरे वाह यार, ये 5 पूरे गांव हैं, सबसे बोर्ड लगे हुए हैं। झील का है ये सामने, गोंड का भी है, सहरिया का है, बैगा का है, और इसे वैसे ही रूप दोगे ना कि उस जमाने का कैसा था। 5 गांव, 5 गांव और 5 उस प्राचीन सभ्यता के। 7 गांव ये हैं, ट्राइबल पे हैं, और 5 गांव जो है बन चुके हैं। नहीं, अभी शुरुआत हो रही है, शुरुआत हो रही है, ये बनने वाले ही हैं। ये काम चल रहा है, बिल्कुल एंड चल रहा है इनका। इसके बाद जो ट्राइबल के जो जैसे शहरी जनजाति के लोग हैं ना, वो आएंगे और अपने हिसाब से उसको बनाएंगे। और ये सब पुतले जो अंदर बने हुए थे लकड़ी के, यहाँ रखे जाएंगे अंदर। रखे जाएंगे। वाओ, 5 सभ्यता, मतलब 5 वो और 7 और बन रही है। 12 7 वो है, 7 वो है, 5 इधर, 5 इधर बनने वाली। और 7 कौन कौन सी है? 7 पहले बैगा है, सहरिया है, और एक और है कोई है। इन सारी सभ्यताओं के बारे में हमने बचपन में पढ़ा है किताबों में। ये अब हमारे पास किताब भी है उसकी। अच्छा, हाँ, पढ़ने के लिए मिलती है क्या? हमें नहीं, वो आपके पास रहेगी। अच्छा, हम पहले यहाँ देख लेते हैं अच्छे से, बाद में आपसे वो किताब 5-10 मिनट के लिए लेंगे, सारी जनजातियों के बारे में, प्राचीन जनजातियों के बारे में जान पाए। और ये पेड़ भी लगाए हैं ना ऊपर से। अभी ये जैसा दिख रहा है ना म्यूजियम, ये आने वाले समय में वैसा नहीं दिखेगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ सब तरफ मूर्तियाँ रहेगी, सब तरफ है ना, और बीच में भी कुछ रहेगा, ये सब तरफ, और उस सब तरफ भी कुछ चीजें रहेगी। इस साइड चले पहले, उस साइड। अच्छा, फरवरी तक ये तैयार हो जाएगा म्यूजियम। हाँ, अच्छी बात है, हो जाए, आप भी सब जल्दी फ्री हो जाएंगे काम से। ये पेड़ लगाया है यहाँ पे, अभी तो यहाँ भी बहुत सारी रिपेयरिंग बच रही है ना, बहुत सारी डिजाइनें देना है, बहुत सारे यहाँ भी मूर्तियाँ रखी जाएगी सब तरफ। हाँ, और यहाँ घूमने वाले आएंगे, मतलब ऐसे जो आदिवासियों को लीव देता रहते हैं ना, उनका उसमें वो उल्लेख किया जा रहा है यहाँ पे, उल्लेख बताएंगे सब तरफ, सब तरह का। और ये पेड़ हर रूम में बनाने का क्या रीजन है, ये सुंदरता के लिए या कुछ विशेषता है बताने की? विशेषता है, देवी देवताओं की मानता रहती है उनकी जो। अच्छा, म्यूजियम के अंदर भी 5 गांवों की 5 रूमों में अलग अलग विशेषता बताई जाएगी, और पेड़ का महत्व इस तरह से रहेगा कि मतलब ये पीपल का पेड़ कौन से जनजाति मानती थी, और वो बरगद का, पीपल और बरगद तो एक ही होता है ना, एक ही नहीं, अलग 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 अलग, बरगद और पीपल अलग अलग, सॉरी, नीम का कौन मानते थे, कौन सा पेड़ कौन मानते थे, वो सब। अच्छा, वो ये सबसे बड़ा रूम है यहाँ का, और इसका काम कंप्लीट आधा हो ही गया ऐसा मान लूँ। ये यहाँ लाइटें रहेगी सब तरफ, ये तो जो एसी का है, एसी ठंडा रहेगा पूरा। अच्छा, और बीच में भी कुछ रहेगा यहाँ पे, और आगे या यहाँ खत्म हो जाता है, यहाँ खत्म हो जाता है। मैंने मोरिने ओमने हमने ना अभी ऐसी म्यूजियम की ऐसी ऐसा म्यूजियम को इस तरीके से देखा है कि मतलब वो म्यूजियम बनने से पहले आधा बना हुआ है, तब हमने देख लिया है। जब हम कुछ महीने बाद या कभी भी हम यहाँ आएंगे ना,
तब हमें पूरा बना बुनाया मिलेगा और हमें पता चलेगा कि हम ये देखेंगे तो हमें ये भी समझ में आएगा कि हमने यहाँ ये देखा था, यहाँ ये लगा है। क्या बोलते हैं चाचा? चाचा आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा एंड आपने सहयोग किया, इसलिए दिल से धन्यवाद आपको। नहीं, बहुत जगह बहुत सारे लोग सहयोग नहीं करते हैं। नहीं, अच्छा लगा आपसे मिलकर। पास वाला म्यूजियम तो खुला हुआ था, वो देख लिया हमने। हाँ। कल ही देख लिया था वो तो, उसका नाम आर्कियोलॉजी। हाँ, ये भी खुला ही था। अच्छा, क्योंकि ये रेनोवेशन की वजह से हमने कार्यशाला इसको बंद नहीं किया है। हाँ। फिर हमारी कार्यशाला चल रही है, दर्शक आते हैं देखें। दर्शक आते हैं, जो छोटी मोटी चीजें बाहर पड़ी हो तो देख लो। और यहाँ का सामान शिफ्ट हो गया है क्या? नहीं, अभी नहीं। यहाँ का सामान कहाँ है जो अंदर पड़ा हुआ था पहले? अंदर ही है अभी, पर वो मतलब पैक करके रखा है, कैसे खराब होगा? समझ रहा हूँ। जैसे देख गीला है ये, किस तरह से बनाए जाते हैं भीलों के जो मकान रहते हैं ना, टापुओं पे बने रहते हैं, इनकी हाइट जो है 18 फीट रहती है। अच्छा, तो ये पर ये ईंटों से बने तो ऊपर क्या वैसा लेप होगा क्या, जिससे पता ना चले? इस पे क्या गोबर का लेप हो, पता नहीं चलेगा कि किसी को, मतलब क्या मजबूती के हिसाब से अभी। हाँ, नहीं वही वो कि जनता को ऐसा ना लगे कि ईंटों से बनाए थे उन्होंने मकान, उन्होंने ईंटों से नहीं बनाए थे। आपको सामने दिख रहा है, हम इस पे कबेली चढ़ा रहा है जिससे पुराना लुक आ जाए। अच्छा, इसे खेलू बोलते हैं हम? कबेली खेलू, कबेलू कबेलू। अच्छा, आप कबेलू बोलते हैं, हमारे तरफ से खेलू बोलते हैं। तो वो लुक दे रहे हैं, और जिसके चारों तरफ से जो है गोबर का और मिट्टी का लेप होगा सब तरफ से। इस पर जो है आदिवासी ट्राइबल की जो पेंटिंग वगैरह बनेंगी वो इस पर बनाएंगे। मतलब हम जब देखेंगे नेक्स्ट टाइम तो हम पहचान तक नहीं पाएंगे कि वही बिल्डिंग है जो हमने देखी है। ये ऐसे ही इसी तरह का इसका रहेगा, ये भील हट लिखा था वहाँ पर, भील हट है ये। और जो दीवारें हम देख रहे हैं ना, ये दीवारें हमें कभी नजर ही नहीं आएगी जब हम वापस आएंगे। तो जो चौकटों पर डिजाइन दी जाती है वो देखिए। हाँ, ये वही डिजाइन है, ये डिजाइन है वो वाली जो मतलब भील अपने जमाने में अपने झोपड़ियों के दरवाजों पे देते थे, या झोपड़ियों पे देते थे जैसे भी। ये कौन सा है? ये गोड़ है, गोड़ जनजाति, पढ़ा है मैंने। जनजाति बोलते हैं ना, जनजाति सारे जनजाति पे है, इनकी अलग डिजाइन है। ये पूरा काम आप ही संभाल रहे हैं? आप हेड है ना यहाँ पे? नहीं, तो बॉस हैं भोपाल में रहते हैं। अच्छा, वो बॉस मेन भोपाल में, यहाँ तो आप ही हेड है ना अभी। ये कौन सा? ये गोड, ये गोड चल रहा था अभी पूरा। हाँ। अच्छा अच्छा, आपने जितना भी सामान बनाया वो यहाँ पड़ा हुआ है? भारिया, ये भारिया का है, ये भारिया जनजाति। हाँ, भारिया जनजाति, ये भारिया जनजाति है जिसपे भी गोबर का ओबर का सब लेप होगा, क्योंकि उस जमाने में सारी जनजातियाँ गोबर से ही पुताई करते थे। उस जमाने में पेंट वेंट तरी थे। और ये सब डिजाइन है बन चुकी है, तैयार है? पुराना था, टूट गया, मतलब थोड़े रिपेयरिंग कराएंगे उसके बाद में। अच्छा, ये सब सामान पुराना है? पुराना है, नया नहीं। ये यहाँ लगा हुआ था पहले से ही? हाँ, पर ये तो नया चमचमा रहा है पूरा सामान, पानी की वजह से थोड़ा वो उसमें गिरती है ना। हाँ। पुराना सामान। वाह यार, ऐसा ही सामान नया भी बनाया जा रहा होगा ना? नहीं, नया बनेगा, ये भी रिपेयरिंग होगा, ये रिपेयर होगा, थोड़ा थोड़ा सा नुस्खे उन्हें सुधारेंगे, जिसमें ज़्यादा नुस्खे होगा उसे ख़त्म कर देंगे। अच्छा, पोल जनजाति है, ये कौन सी जनजाति है? ये वेल कोल, पोल। अच्छा, कोल, वो बोर्ड है ना टेढ़ा था तो नज़र नहीं आया। ये कोल जनजाति है, और इसमें भी डिजाइनों का बहुत ध्यान दिया है। लकड़ी पे जो डिजाइन है वही डिजाइन शायद गोबर के ऊपर भी होगी ना। हाँ। लेप लगेगा पूरा, और वैसे ही पूरा मतलब बनाएंगे। ये कुगा भी बनाया है, क्या है ये? गांव में कुगा वगैरह जो होते हैं उस तरह का बनाएंगे पूरा। वो मतलब वो तो लकड़ी के उस पर कुट्टे पे चलता था वो। इसको भी जो है उसी तरह से डेवलप करेंगे जैसे गांव में कुगे होते हैं। ये जो कुआ बन रहा है ना, ये कुआ ही है सच में? अच्छा, इस कुएं पे आप ऐसी लकड़ी लगाओगे, मतलब जो इसमें गोल गोल होगा, रस्सी खींचेगी, क्योंकि उस जमाने में लोहा नहीं था। लोहा नहीं था, लकड़ी, लोहा कुछ समय बाद आया था, लकड़ी का बना। हाँ, पर लोहा आ चुका था उस समय, थोड़े देर थोड़े सालों या कुछ 100-200 सालों बाद आया होगा ना। सहरिया जनजाति है, ये सहरिया जनजाति है। आप जब सहरिया बोल रहे थे ना, तो मुझे लगा कि सहरिया मतलब ये सहरी, बाद में मुझे याद आया कि शिवपुरी जिले में पाई जाती है। शिवपुरी जिले में? हाँ, श्योपुर और शिवपुरी ग्वालियर में भी है कुछ, वहाँ पाई जाती है। अच्छा, उनके किस तरह के निवास बनते थे पहले, सारी चीज़ें हैं उनकी, जो दरवाजों पर डिजाइन वगैरह जो निकलती थी, सबकी अलग अलग, सबकी अलग अलग है। हाँ, हर जनजाति का अपना कुछ अलग था। ये बैगा जनजाति है, ये बेगा, ये फाइनल जनजाति है ना यहाँ पे, या और भी बन रहा है वो?
अच्छा बेगा जनजाति का भी तैयार होने ही वाला है। ये उनकी जो डिजाइन रहती है जिस तरह की मकानों में, बस साइज इतनी बड़ी नहीं होती थी, छोटा होता था थोड़ा सा, बस ये थोड़ा बड़ा बना है। और इस पर गोबर का लेप होगा तो बाद में किसी को पता तक नहीं चलेगा अंदर ईंटें लगी हुई है। और ये कोरकू जनजाति है, ये कोरकू जनजाति है, उसका मकान यहाँ बनेगा। अभी वो लोग आए नहीं है वहाँ का, वो आएंगे फिर वो अपनी ज्ञान दे देंगे। अच्छा उसी जनजाति के लोग भी बुलाएंगे आप देने के लिए? अच्छा हमारी गावड़ी है जो पहले जो है लोग नहाते थे। बनाई गई ये ट्राइबल में वगैरह में जो जो आदिवासी लोग थे तो अपन नहाते थे सब लोग, पर वो गहरा होता था ना वो तो नहीं, अब वो चीज़ वो तो संभव नहीं है, उतना जरूरत भी नहीं है ना। हाँ। पानी कौन सा यहाँ हम सब नहाने वाले हैं। हाँ, उसके लुक के लिए अपन नहीं। हाँ तो हम राजा महाराजा के महलों में जाते तो हमें ये मिलता है। हाँ। ये सीढ़ियाँ होती है चारों तरफ, ये और बीच में पानी होता है, यहाँ बैठ के नहा लो। वो गहरा होता था तो पानी भरा, बावड़ी बोलते ना इसे, बावड़ी। ये तैयार है या कुछ और इसमें नीचे होना है? बस कुछ होना है मतलब प्लास्टर, पानी रुक सके, पानी रुक सके। और अभी कह जैसे पानी भर जाएंगे तो चल निकल जाएगा इसका। अच्छा नीचे पानी पी जाएगी मिट्टी। इसको हम ऐसा कर रहा है कि जैसे पानी थोड़ा बहुत भरा रहा है। बहुत अच्छा बनाया है आपने। और उस साइड पांच और बन रही है जनजातियों का, पांच अंचलों के बनेंगे, जैसे मालवा भी रहेगा उसमें, मालवा मालवा जनजाति हाँ कौन है। और ये रीवा साइड अपन निकले बघेली में, मीरखंड में भी बनेगा एक, अपन मुरैना से ले रहे हैं, मुरैना जनजाति।